कुंभ राशि, अगर हिम्मत हो तभी देखना इस वीडियो को, जो नहीं होना था वही हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ। दोस्तों आज हम आपको 3 और 4 जुलाई की कुंभ राशि भविष्य बताने वाले हैं। दोस्तों इन 2 दिनों में आपका सामान्य राशिफल कैसा रहेगा, कौन से बातों का ध्यान रखना है, आपका धन राशिफल, लव राशिफल, करियर राशिफल और आपका स्वास्थ्य राशिफल कैसा रहेगा, सभी बातें विस्तार पूर्वक इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी तरह राशिफल के रिलेटेड वीडियोस आपको देखने को मिले और इन्हीं के जरिए आप आने वाले दिनों के बारे में पहले से अनुमान भी लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना गवाए जानते हैं कुंभ राशि के बारे में। दोस्तों आपको किस्मत का भरपूर साथ मिलेगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप किस्मत के भरोसे बैठ जाए। आप अपना कार्य करते रहें और उसी में आपको थोड़ा बहुत किस्मत का साथ भी मिलने वाला है। बीती बातों को भूलने का प्रयास करें। जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है जो सेहत, नौकरी और कामकाज से जुड़ा हुआ हो सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति में जल्द सुधार हो सकता है। निवेश के बारे में कोई अच्छी सलाह आपको मिल सकती है जो आपके लिए लाभप्रद रहेगी। दोस्तों मिलजुल कर जो भी कार्य होंगे उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि सब कुछ मिलकर अगर आप सब लोग मिलकर काम करेंगे, जहां पर एक का दिमाग लगता है वहां पर अगर आप 4 लोगों का दिमाग लगाएंगे तो वहां पर उस कार्य में और भी जल्द सफलता मिलेगी और उस कार्य में जो क्वालिटी रहेगी वो बहुत ही बढ़िया रहेगी। मित्रों का साथ बिताया गया समय आपके लिए लाभप्रद रहेगा। प्रेम संबंधों और धन के मामले में सफलता के योग बन रहे हैं। दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा। आर्थिक मामलों में और सुधार आएगा और आपको विकास के जो भी अवसर मिलेंगे उन्हें भी आप सावधानी से चुनेगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि आपका सामान्य सा राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। किसी एक तरफा सोच से आपको कोई परेशानी हो सकती है। आपको अपनी बातों पर झूठा अभिमान करने से बचना होगा। अपनी वाणी पर आपको हर वक्त संयम बनाकर रखना होगा। कुछ नए मौके आपको मिल सकते हैं। आप बहुत अधिक व्यस्त रह सकते हैं। आप किसी बात को लेकर अधिक जिद ना करें। आपका मन अपने व्यापार और कामकाज पर अधिक लगेगा। यदि आप कुछ नया करना चाहते हैं तो एक बार अपने मित्रों से सलाह अवश्य लीजिएगा। किसी बात को लेकर आप अत्यधिक सावधान हो सकते हैं या अत्यधिक लापरवाह भी हो सकते हैं। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहेगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि आपको कौन से बातों का ध्यान रखना है उसके बारे में। पिछले कुछ दिनों से आप जो लोगों की मदद और सेवा कर रहे हैं उस दिशा में आपको और अधिक कार्य करना पड़ सकता है। इसके अच्छे परिणाम भी आपको जल्द मिलेंगे। आप थोड़े संवेदनशील हो सकते हैं। आप में थोड़ा बहुत उत्साह भी भरा रहेगा। आपको अपनी हर प्रकार की चिंताओं को त्यागना होगा और अपनी प्रगति की राह को आसान बनाना होगा। विद्यार्थियों को भी आगे बढ़ने के बहुत सारे अवसर मिलेंगे। दोस्तों आप किसी अन्य के आगे अपनी कमजोरी को प्रकट बिल्कुल भी ना करें। जो भी आपके अंदर कमजोरी है, जो भी कमियाँ हैं, उसको खुद ढूंढ लिएगा और उस कमजोरी को कैसे दूर किया जा सकता है इसके बारे में सोचेगा और उसी तरह कार्य करते रहेगा। अगर आप अपनी कमजोरी, अपनी कमियां लोगों को बताएंगे तो लोग उसका गलत फायदा उठाएंगे। आप जो भी बात करें उसमें तर्क को अहमियत दें। किसी भी परिस्थिति में अधिक भावुक ना हो और आप जो भी नए मित्र बना रहे हैं वो थोड़ा सोच समझ कर और संभल कर बनाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि जो नहीं होना था वही हो जाएगा, ऐसे हमने क्यों कहा है उसको एक बार देख लेते हैं। दोस्तों 3 और 4 जुलाई का ये जो 2 दिन है ये वाकई आपके लिए खास तो साबित होंगे, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिसके लिए आपको थोड़ा बहुत पछताना भी पड़ सकता है। आप जो सोच रहे थे कि यह घटना नहीं हो सकती या फिर कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती, तो ठीक उसी प्रकार आपके जीवन में होने वाली है। तो आपको ऐसा तर्कसंगत बिल्कुल भी नहीं लगाना है जो कि नहीं होगा या फिर नहीं होने वाला है तो मैं बिंदास रहता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऐसी कोई भी सोच मन में ना रखेगा। अगर आपके हाथ से कोई गलती हुई है
तो उसको जल्द से जल्द सुधार लीजिए। आगे पर ना टलेगा, आगे क्या होगा उसे देखा जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी ना कहेगा। जो गलती आपके हाथ से हुई है उसे तुरंत ठीक करिएगा और आगे बढ़िएगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर कोई भी परेशानी आपको बार बार सता रही है, उसका अगर हल ज्योतिष शास्त्र के अनुसार और कुंडली के आधार पर जानना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया गया है उस नंबर पर कॉल करें अथवा व्हाट्सएप मैसेज करें, हमारी तरफ से रिप्लाई झट से मिल जाएगा और आपके सभी प्रॉब्लम परेशानियों का समाधान भी किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं आपका धनराशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। अभी आपके आसपास के लोग आपके प्रदर्शन की सराहना कर रहे हैं। जीवन में आए किसी भी खतरे या फिर झटके से आप प्रभावित नहीं होंगे क्योंकि आप अपने लक्ष्य की तरफ पूरी तरह से केंद्रित हैं। सफर में होने वाली परेशानी या फिर नुकसान से बचने के लिए यात्रा बिल्कुल भी ना करें। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सब कुछ आपके जीवन पर गहरी छाप डालेगा। काम या करियर की ओर आपका व्यवहारिक दृष्टिकोण आपको आर्थिक रूप से समृद्ध होने में मदद करता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि आपका करियर राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। काम के मामले में आप उदासीन हो सकते हैं, इसका कारण काम आपकी रुचि का ना होना हो सकता है। इसी कारण हो सकता है आपको अपने काम में बोरियत होने लगे, लेकिन आपके लिए यह वो समय है जब आपको अपने काम के सभी पहलुओं पर पुनर्विचार करना चाहिए। इस समय आप अपने कार्य का क्षेत्र बदलने का विचार भी कर सकते हैं। अगर हम लव राशिफल की बात करें तो किसी रहस्यमय रिश्ते में है तो अब वक्त है इसके बारे में सबको बताने का, क्योंकि ऐसा करना आप दोनों के रिश्ते को एक नए लेवल पर ले जाएगा। अपमान या दुख से बचने के लिए अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें। अपने पार्टनर को प्रभावित करने के लिए कुछ खास अवश्य करें। आपका परिवार और आपका सोलमेट आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और उन्हें आपकी आवश्यकता पड़ सकती है। प्यार के इन पलों में आपको ऐसे महसूस होगा जैसे आपके कानों में कोई सितार बजा रहा है। अपने प्राणों से भी प्यारे साथी को कोई ऐसा सरप्राइज दें जो उसे पूरी उम्र याद रखे। दोस्तों आखिर में बात करते हैं कि आपका स्वास्थ्य राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। आप कुछ स्वास्थ्य के मंत्र सीखना चाहते हैं ताकि आप खुद को स्वस्थ रख सकें। यह निश्चित कर ले कि आप रोजाना कुछ समय अपने तनाव को कम करने में लगाएं, परंतु ध्यान रखें यह समय आप पूरी एकाग्रता से ही ले। इस समय के दौरान आप अपने विचारों को इधर उधर भटकने ना दें। इन सभी क्रियाओं से आप अपने दिमाग को हल्का और अपनी ऊर्जा को उच्च स्तर पर महसूस करेंगे। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आपका जो कि कुंभ राशिफल रहने वाला है। दोस्तों वीडियो सच में अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करेगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के संग शेयर करेगा और हमारे चैनल ट्रेनिंग राशिफल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।